अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। मास्टर स्टिचिंग कोर्स हमारा चल रहा है, बेसिक कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी जाकर देखें। और मास्टर कोर्स में काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। आज की छोटी सी वीडियो एक बना रही हूँ मैं एज अ लेक्चर के तौर पर, कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है कि आप प्लीज़ लार्ज साइज़ में आर्म होल की कटिंग हम कैसे करें, हमें प्लीज़ गाइड कर दें। पहले तो मैं मीडियम साइज़ लेकर चल रही थी क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग मीडियम ही हैं, लेकिन जब मैंने इतने हेल्दी लोगों की प्रॉब्लम्स देखी हैं तो ये छोटा सा लेक्चर सिर्फ मैं उनके लिए दे रही हूँ कि उम्मीद है कि उनको ड्रॉ करके ही चीज़ समझ आ जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको इसी तरह से चीज़ समझा दूँ। मसला उनका ये चल रहा है कि आपी हमारे कंधे इतने लार्ज हैं, या जिस कस्टमर का कंधा इतना, मतलब आर्म होल इतना लार्ज है, तो अब हम उसकी कटिंग कितने इंच पर करें, या आर्म होल 10 इंच है तो हम 10 इंच ही कटिंग करें, या स्लीव्स की कटिंग कितनी करें। ये कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा उनको। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। अच्छा, मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके बताती हूँ कि फ़र्ज़ करें ये आपकी शर्ट का कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी शर्ट का एक कपड़ा यहाँ पे टेबल पर पड़ा हुआ है, आपने अब उसमें से आर्म होल कैसे निकालना है। आर्म होल के लिए आपने ये करना है कि 16 इंच, अब ये मैं आप यही समझें कि ये XX लार्ज का साइज़ है। जिनको ये कन्फ्यूजन है कि 10 इंच कंधा है या 11 इंच कंधा है तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर मैं आपको स्टार्ट में ये बात बताऊं, 10 इंच कंधे वाली लेडी या 11 इंच कंधे वाली लेडी, उसकी यकीनन जो चेस्ट है वो 24 या 26 ज़रूर होगी वन साइड की, राउंड अबाउट नहीं, वन साइड की, जिसकी वजह से कंधे पे फ़र्क इस तरह से आता है। अब देखें, चेस्ट साइज़ के साथ ही हमें कंधे को भी मैनेज करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक डेमो देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि 16 इंच का तीरा है, फ़र्ज़ नहीं मतलब हेल्दी लोगों का तो डेफिनेटली 16 ही होता है, 16 इंच तीरा है। अब एक लेडी है, उसका कंधा 10 इंच तैयार है, ठीक है, 10 इंच कंधा तैयार है। 10 इंच आपने अगर इस तरह प्रॉपर 10 इंच का निशान लगा लिया ना, अब आप कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि हम 10 इंच का ही कंधा तैयार है तो 10 इंच पर निशान लगाते हैं, आधा इंच चला जाएगा सिलाई में तो पीछे रह जाएगा 9.5, ठीक है। अब क्या होता है, 10 इंच कंधे वाली का अगर चेस्ट है 24 इंच, ठीक है जी, 24 इंच चेस्ट का साइज लगा दिया ये। अब जब आप इसको राउंड करते हैं, ये आपने कर लिया राउंड, तो अब आप देखिएगा जरा इसका साइज, ये आप साइज़ देखें कहाँ जा रहा है, 11.5 इंच पे आपका कंधा 11 इंच तैयार आ रहा है, जबकि आपकी कस्टमर का कंधा है 10 इंच तैयार। ये मेथड आपका गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल चीज़ है थोड़ी समझा देती हूँ। अब ये इंच स्टेप आपको नज़र आ रहा है, मीडियम साइज़ वाले होते हैं 9 इंच, ठीक है, उनमें हमें कम करना पड़ता है, आधा इंच एक इंच कम करना पड़ता है। किसी का तीरा 10 होता है, 11 होता है, 12, 13 भी होता है, काफ़ी हैवी लेडीज़ का, मैंने स्टिच किए हुए हैं कपड़े कि 13-13 भी आर्म होल कटिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 13 आर्म होल वाली की डेफिनेटली सी बात है जो चेस्ट होगी वो कम अज़ कम ये मैं आपको बता रही हूँ कि 13 आर्म होल वाली की चेस्ट वन साइड 26 लाजमी होगी, ठीक है, 26 से कम नहीं होगी, 26 से ज़्यादा ज़रूर होगी। अब देखें, आप 26 चेस्ट है तो 26 का जब हम हाफ करते हैं तो वो आता है 13 इंच, ठीक है, 13 इंच जब आएगा तो राउंड करके हमारा ये कंधा, अगर हम 13 पे ही कटिंग कर रहे हैं कंधे की और ये चेस्ट पे जा रही है, तो सोचें ज़रा कि ये कंधा किधर जा रहा है, कितना बड़ा ये कंधा हो रहा है, ठीक है। ये आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखें कि आपने आखिरी हद अपने जहन में रखनी है, कंधा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आर्म होल जितनी बड़ी मर्जी हो, आपने आखिरी हद रखनी है 9 इंच। ये हेल्दी XXXX लार्ज बंदों का मेथड है कि आपने आखिरी हद 9 रखनी है, इससे ज़्यादा आपने अपना डीप कंधा नहीं रखना। और एक और चीज़ इसमें मैं बताऊं, अगर आपकी मतलब किसी का 13 इंच कंधा है ना और उसकी चेस्ट 26 इंच है, किसी का 12 इंच कंधा और उसकी चेस्ट 24 इंच है, तो आपने उस सूरत में
इसको कर देना है 8:30 भी कर देना है, ठीक है। उस सूरत में आप 8:30 या 8, ये तीन चीज़ें जो ये तीन साइज़ हैं 8, 8.5, 9, ये आखिरी हद है बहुत ज़्यादा लार्ज लोगों के लिए। इससे बड़े साइज़ पर आपने आर्म होल की कटिंग नहीं करनी, वरना आपकी कटिंग हो जाएगी रॉन्ग। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसको करते हैं साफ। जैसे कि अब हमने ये तीरा ले लिया है 8 और 16 इंच का, 16 इंच का हमारा तीरा आ गया, ठीक है। 16 इंच के तीरे के बाद हम लोगों ने, अब मैं आपको बताती हूँ कि 10 इंच का कंधा जिन लोगों का तैयार है उनके लिए क्या है कि आपने 10 इंच वाले कंधे के लिए रखना है 9 इंच। 9 इंच का ये निशान लगाया, ठीक है, ये लाइन आपकी 9 इंच की है 10 इंच वाले कंधे के लिए। चेस्ट जिसका कंधा 10 है उसकी चेस्ट 24 ही होगी, हर सूरत उसकी चेस्ट 24 होगी, बहुत कम होगा कि थोड़ी सी चेस्ट हैवी भी हो सकती है। 24 का है तो 12 इंच मैंने यहाँ से निशान लगाया, 12 और 12, 24 होता है। अब जब मैं इसकी राउंड शेप करूँगी, ठीक है, अब जब मैंने इसकी आर्म होल वाली कटिंग दी है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ कर दिया, जब मैं इसकी आर्म होल वाली कटिंग कर रही हूँ, ये देखें तो आप देखें कि ये कंधा आ रहा है 11 इंच पे ये कंधा आ रहा है। यहाँ से आप देखें एग्जैक्ट अगर मैं रखती हूँ तो 11 ही आ रहा है। अब क्या है, हमें तो कंधा 10 इंच चाहिए। अब लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ से जब ऊपर शोल्डर की सिलाई लगानी होती है ना, कपड़ा अगर आप ज़्यादा छोड़े हैं तो 10 इंच पर तैयार आ जाएगा, अदरवाइज़ 1/2 इंच कपड़ा इनफ होता है। तो 10.5 इंच, 10 कंधे वाले का साइज़ 10.5 भी हो गया तो नॉट बिग इशू, आपने ये काम करना है, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको कि 10 इंच वाला जो कंधा है ना उसमें आपने 8.5 इंच पर कटिंग करनी है या 9 इंच पर करनी है। तो तब जाके जब आपके चेस्ट के साइज से ये जुड़ेगी कटिंग तो तब जाके आपका कंधा इक्वल आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ होती है कि जब आपने ये कटिंग कर ली है, जब आप ये काम, मतलब अब एक बंदी का कंधा है 11 इंच, ठीक है, 11 इंच कंधा है और 11 इंच कंधे के साथ उसकी जो चेस्ट है वो आ रही है 26 इंच, 11 इंच कंधे के साथ चेस्ट आ रही है 26 इंच। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप निशान लगा रहे हैं, अगर 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं, 13 इंच का आ रहा है ये चेस्ट आ रही है, ठीक है। अब हम इसको जब राउंड करते हैं तो देखते हैं, ये जब राउंड इसका गया है तो अब आप देखिएगा ये कंधा 11.5 है और 1/2 इंच की सिलाई के बाद ये 11 इंच तैयार आ रहा है, ठीक है। जब आपका कंधा 11 इंच पर अभी कंधा रेडी आ रहा है, आपने अगर निशान ही 11 इंच पर लगाया तो सोचें कितना फ़र्क है, ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है बीच में कितना है, अगर आपने ये निशान 11 इंच पर लगाया और ये मैंने लगाया है 9 इंच पर। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आखिरी हद आपकी 9 इंच है, जितना मर्जी बड़ा कंधा हो जाए आपने 9 इंच पर निशान लगाना है और कंधे की गुलाई करनी है, चेस्ट के लिहाज से आपका कंधा एग्जैक्ट आ जाएगा जितना आपकी कस्टमर का कंधा है, ऑटोमेटिकली आपका कंधा उतना आ जाएगा। चलें जी, ये समझ आ गई। अब हमने ये वाला जो कंधा है ये 11 इंच तैयार रखा है, ठीक है, 11 इंच आर्म होल को तैयार करने के लिए मैंने कटिंग की है 9 इंच पे। अब जब बारी आती है स्लीव की, जब आपने स्लीव्स बनानी है, ठीक है, जब आपने स्लीव बनानी है तो स्लीव्स को जो तैयार आपका आएगा वो 11 ही आएगा। स्लीव्स में आपने ना कम रखना है ना ज़्यादा रखना है, ये आपकी 11 इंच की कटिंग है, ठीक है, आपने स्लीव्स को 11 ही रखना है। जिसका 10 कंधा है उसने स्लीव्स को 10 पे ही काटना है, जिसका 12 है उसने स्लीव्स को 12 पर ही काटना है। स्लीव्स में ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ आपने सिर्फ अपनी शर्ट की कटिंग को परफेक्ट बनाना है। जब आप शर्ट की कटिंग को परफेक्ट बनाएंगे और बाजू पूरी रखेंगे, ना आपको बाजू खींचना पड़े ना आपको स्लीव्स खींचनी पड़े, ये सॉरी आर्म होल खींचना पड़े, तो आपकी शर्ट कभी भी यहाँ से लटकेगी नहीं, कभी किसी कस्टमर का कंधा बड़ा नहीं होगा। तो
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ड्रॉ करके, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपको कपड़े पे अगेन से वो सारा कुछ बताऊं। नॉर्मल सिंपल स्टिचिंग कटिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, बेसिक चीज़ें इसलिए सिखा रही थी कि आप लोग बेसिक चीज़ों को सीख के अपनी तरफ से बाकी के लेवल खुद करें। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ समझा भी है, बहुत अच्छा समझ लिया है, तो इट्स ओके। आप लोगों को कन्फ्यूजन थी, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा अच्छे से दूर कर दी होगी। तो अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।